वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं बीए प्रोग्राम के फोर्थ सेमेस्टर का पेपर, जिसका नाम है मध्यकालीन भारत में प्रमुख धार्मिक परंपराएं। और इंग्लिश में ये बनता है आपका रिलीजियस ट्रेडिशंस इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसका पहला यूनिट हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा यूनिट का भी कुछ हिस्सा हम लोग कर चुके हैं। और ये जो पाठ है सूफी परम्पराएँ, चिश्ती और सुहरावर्दिया का विकास, इसका भी आधा हिस्सा बेटे हम पढ़ चुके हैं। लंबा चैप्टर था, इसलिए इसकी वीडियोस मैंने दो हिस्सों में बनाई थी बेटा। तो पहला वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया है उसके बाद ही इसको देखिए आप लोग बेटा। अगर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मैंने ऐड किया हुआ है। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए तो आपको आसानी से बेटा सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग चिश्ती और सुहरावर्दिया का विकास। आज हम पढ़ेंगे सूफी परम्पराओं के बारे में, हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे चिश्ती और सुहरावर्दिया का विकास देश में कैसे हुआ, भारत में कैसे हुआ। तो पहले हम जानेंगे सुहरावर्दी सिलसिला के बारे में। कल भी मैंने आपको बताया था, सिलसिला मतलब एक गुरु का अपना जो उन्होंने ट्रेडिशन शुरू किया, ये गुरु के नाम से होता था। इनका गुरु का नाम हुआ सुहरावर्दी और इन्होंने जो शिक्षा दी, इनके शिष्य सारे के सारे जो फॉलो कर रहे थे, वो था सुहरावर्दी सिलसिला। यानी कि ग्रुप था पूरा का पूरा, ग्रुप को आप सिलसिला कह सकते हैं बेटा। जो कि सुहरावर्दी के शिष्य थे सारे के सारे, वो और उनकी शिक्षाएं सारी की सारी चीजें मिला के कलेक्टिवली सुहरावर्दी सिलसिला कहलाती है। भारत में सल्तनत के युग के दौरान एक उल्लेखनीय सूफी सिलसिला शेख बहाउद्दीन जकारिया, जो कि 1182 से लेकर के 1262 तक, यानी कि 1182 से लेकर के 1262 तक रहा, एक खुरासानी और शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के अनुयायी वो व्यक्ति थे जिन्होंने बगदाद में सिलसिला शुरू किया था। मतलब कि ये जो सिलसिला है सुहरावर्दी, ये शुरुआत में बगदाद में शुरू हुआ था और बहाउद्दीन जकारिया को इसे पूरे भारत में फैलाने के निर्देश दिए। यानी कि जो सुहरावर्दी थे, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के अनुयायी शेख बहाउद्दीन जकारिया, यानी कि सबसे पहले थे शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के अनुयायी थे, नाम था शेख बहाउद्दीन जकारिया। इन्होंने अपने शिष्य को जिसका नाम था बहाउद्दीन जकारिया को कहा कि एक सिलसिला जो कि उन्होंने शुरू किया था बगदाद में, इसके बारे में उन्होंने कहा कि इसको जाकर के पूरे भारत में फैलाइए। बहाउद्दीन जकारिया ने मुल्तान और सिंध को भारत की सबसे पुरानी खानकाओं में से एक की स्थापना करके अपने सुहरावर्दी गतिविधियों का केंद्र बनाया। यहाँ पर आए वो, यहाँ पर आकर के मुल्तान और सिंध में उन्होंने अपनी खानकाहें बनाई। खानकाहें मतलब कि जहाँ पर वो अपनी शिक्षाएं दिया करते थे, वहाँ आकर के इनको अपना केंद्र बनाया। इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदी कुबाचा ने उस समय मुल्तान पर शासन किया। जिस वक्त वो मुल्तान में अपना खानकाह बना करके रह रहे थे बहाउद्दीन जकारिया और सुहरावर्दी का प्रचार कर रहे थे, उस टाइम पर वहाँ पर मुल्तान में कौन थे, राजा इल्तुतमिश। जबकि इल्तुतमिश जो थे दिल्ली का शासक था, उसने मुल्तान पर भी शासन किया। क्योंकि बहाउद्दीन जकारिया ने कुबाचा की सरकार के खिलाफ इल्तुतमिश का खुले तौर पर समर्थन किया था, इसलिए इल्तुतमिश ने उसे शेख उल इस्लाम यानी कि इस्लाम के नेता की उपाधि दी और एक बंदोबस्ती प्रदान की। इस वक्त इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली का शासन था और उसका प्रतिद्वंदी था कुबाचा, जो कि मुल्तान में राजा था। अब क्योंकि मुल्तान में कुबाचा के खिलाफ यहाँ पर बहाउद्दीन जकारिया ने कुछ बातें कह दी, इससे उनके खिलाफत हो गई, लेकिन उन्होंने वहां पर क्या हुआ, इल्तुतमिश का खुले तौर पर समर्थन किया था और कुबाचा की सरकार के खिलाफ बोल रहे थे बहाउद्दीन जकारिया। इसलिए इल्तुतमिश ने जब बहाउद्दीन जकारिया उनको मिले तो उन्हें शेख उल इस्लाम का टाइटल दिया, इस्लाम के नेता का टाइटल दिया और उनके रहने का यहाँ पर बंदोबस्त किया। अब बहाउद्दीन जकारिया ने अपने युग के चिश्ती संतों के विपरीत, यानी कि इनसे पहले यहाँ पर चिश्ती संत चल रहे थे, उनके अपोजिट बहुत भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाया, धन इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया, ऐशो आराम की जिंदगी जी, ये काम किया बहाउद्दीन जकारिया ने। तो सुहरावर्दी सूफियों द्वारा धार्मिक और बौद्धिक गतिविधियों को उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाया गया। अब जो सुहरावर्दी सूफी थे, बहाउद्दीन जकारिया के जो अनुयायी थे, उन सब ने बड़े उत्साह के साथ, क्योंकि पैसा मिल रहा था, सुख मिल रहा था, सारी की सारी भौतिक सुविधाएं मिल रही थी, बड़े जोश के साथ इसको आगे बढ़ावा दिया। अन्य सूफी आदेशों के विपरीत, बाकी जो सूफी आदेश थे, बाकी सिलसिलों के जो आदेश हुआ करते थे, उनके जस्ट अपोजिट सुहरावर्दी सूफियों ने अधिक भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाया। उनके मुकाबले बहुत ज्यादा भौतिकवादी थे, बहुत ज्यादा एक तरीके से लग्जरियस लाइफ जीने के ये फेवरर थे। अक्सर राज्य के पक्षपात को स्वीकार किया और धन इकट्ठा किया। ये लोग कई बार राज्य जो था, राजा जो होते थे, वो पक्षपात करते थे, उसको भी ये स्वीकार कर लेते थे। इनका पर्पज सिर्फ धन इकट्ठा करना होता था।
इस व्यावहारिक रुख ने उन्हें प्रभाव कायम करने और समाज के शासक वर्गों के भीतर खुद को स्थापित करने की अनुमति दी। एक तरह से जैसे हिंदी में बेटा रीतिकालीन कवि रहे हैं, उसी तरीके से सोहरावर्दी रहे। इन लोगों ने राजा की बातों को, गलत बातों का भी कभी अपोज नहीं किया, उनका समर्थन करते रहे। इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर वेल एस्टेब्लिश होते चले गए। राजनीतिक सत्ता के साथ इनका जुड़ाव बना रहा। इनकी विशेषताओं में से एक इसका विद्वतापूर्ण कार्यों और बौद्धिक जुड़ाव पर जोर देना हुआ करता था। ये लोग विद्वतापूर्ण कार्यों के लिए सिफारिश करते थे, बौद्धिक जुड़ाव की बात करते थे। सोहरावर्दी सूफी इस्लामी धर्मशास्त्र दर्शन और रहस्यवाद के अपने गहन ज्ञान के लिए जाने जाते थे। यानी कि धन तो इकट्ठा करते थे, लेकिन ये लोग धर्मशास्त्र जानते थे, दर्शन के बारे में इनको जानकारी थी, रहस्यवाद का इनको अच्छा ज्ञान था। इन्होंने विद्वानों की बहसों और चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया और उस समय के बौद्धिक उत्साह में योगदान दिया। उस टाइम जहां भी कोई चर्चाएं होती थी, डिबेट्स होती थी, डिस्कशंस होते थे, वहां सोहरावर्दी जाया करते थे और वहां पर अपना योगदान दिया करते थे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सोहरावर्दी सिलसिलों का प्रचार, खानकाहों का विस्तार और उसके अनुयायियों के प्रयासों से हुआ। सोहरावर्दी का सिलसिले का प्रसार कैसे हुआ, इनकी खानकाहों का विस्तार कैसे हुआ, जो इनके अनुयायी थे, जो इनके फॉलोअर्स थे, उनके प्रयासों से ही हुआ। बंगाल, पंजाब और सिंध सोहरावर्दी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरे। यानी कि सोहरावर्दी गतिविधियां जो चल रही थी वो बेसिकली बंगाल पंजाब और सिंध में चल रही थी। इसके बाद शेख जलालुद्दीन तबरीजी शेख शिबाउद्दीन सोहरावर्दी के उन शिष्यों में से एक था जिन्हें पूरे भारत में सोहरावर्दी सिलसिले का प्रचार करने के लिए नियुक्त किया गया था। नाम था शेख जलालुद्दीन। जब तबरीजी के दिल्ली में प्रभाव हासिल करने के प्रयास सफल नहीं हुए, जब तबरीजी को दिल्ली में सफलता हासिल नहीं हुई तो बंगाल चले गए। वहां उन्होंने खानकाह का निर्माण किया और कई अनुयायियों को आकर्षित किया। मतलब खानकाह मतलब एक तरीके से आप इनका गुरुकुल कह सकते हैं बेटा, खानकाह यानी कि इनका स्कूल। वहां पर इन्होंने बहुत सारे अपने फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए। उन्होंने एक लंगर भी स्थापित किया जहां मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाता था। यहां पर लंगर चलता था इनके खानकाह में, जहां फ्री भोजन कराया जाता था सबको। बंगाल तबरीजी इस्लाम के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण था। बंगाल में तबरीजी जो है दिल्ली में जब एस्टेब्लिश नहीं हो पाए तो बंगाल चले गए, वहां जाके इनका वेल एस्टेब्लिश हो गया। सल्तनत युग के दौरान बंगाल, पंजाब और सिंध सोहरावर्दी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरे। यहाँ पर अच्छे से काफी पॉपुलर हो गया था सोहरावर्दी सिलसिला। सोहरावर्दी सूफियों ने सक्रिय रूप से हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तन होने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब एक्टिवली उन लोगों ने मोटिवेट किया हिंदुओं को कि वो इस्लाम को कबूल कर लें। सोहरावर्दी सूफी अपने समय की सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे। मतलब राजनीतिक चीजों से ये एक्टिवली पार्टिसिपेंट थे, राजनीति में सक्रिय रहते थे लोग। इन्होंने सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। जो भी सत्तारूढ़ हुआ करते थे, जो भी रूलिंग पार्टीज हुआ करती थी, रूलिंग जो लोग हुआ करते थे, उनके साथ इनके संबंध घनिष्ठ होते थे और सत्ता के गलियारों में अपना प्रभाव बनाया और सत्ता में अपना प्रभाव बनाए रखा। राजनीतिक सत्ता के साथ सोहरावर्दी सूफियों का जुड़ाव विवाद से रहित नहीं था। मतलब इस चीज पर डिस्प्यूट भी थे, विवाद भी थे। आलोचकों ने इन पर अपनी आध्यात्मिक अखंडता से समझौता करने और सांसारिक चिंताओं के साथ बहुत निकटता से जुड़ने का आरोप लगाया। यानी कि इन पर इल्जाम लगा कि ये लोग अपनी आध्यात्मिक अखंडता से समझौता कर रहे हैं, यानी कि ये लोग धार्मिक चीजों से समझौता कर रहे हैं और जाके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, राजनेताओं का एक तरह से गुलामी कर रहे हैं, उनकी चमचागिरी कर रहे हैं और संसारिक जो चिंताएं हैं उनके साथ कुछ ज्यादा ही अटैच हो रहे हैं। तो सोहरावर्दी सूफियों ने तर्क दिया कि राजनीतिक अधिकारियों के साथ जुड़कर वे मुस्लिम समुदाय के हितों की बेहतर सेवा कर सकते हैं और इस्लाम के प्रसार को बढ़ावा दे सकते हैं। इस पर जब उन पर आरोप लगे कि आप लोग राजनीति के प्रसार में जा रहे हैं, आप लोग धर्म को भूल रहे हैं, आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब इस्लाम जो इजाजत नहीं देता है, तो उन्होंने अपना लॉजिक दिया कि हम लोग राजनीतिक लोग हैं, अधिकारी हैं, राजा हैं, इनके साथ जुड़ करके अपने मुस्लिम समुदाय के हितों की ज्यादा अच्छी तरीके से सेवा कर पाएंगे और साथ ही अपने धर्म का प्रसार भी ज्यादा अच्छी तरह कर पाएंगे। आलोचनाओं के बावजूद सोहरावर्दी सूफियों ने मध्यकालीन भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालना जारी रखा। बेशक इनकी आलोचना हो रही थी, लेकिन फिर भी मध्यकालीन भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर इनका प्रभाव काफी था, देखने को काफी मिलता था। अपनी शिक्षाओं, लेखों और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के माध्यम से इन्होंने अनगिनत व्यक्तियों को सूफी मार्ग पर चलने और ईश्वर की निकटता पाने के लिए प्रेरित किया। इनकी शिक्षाएं जो थी वो लोगों को अट्रैक्ट करती थी, इनके लेख अट्रैक्ट करते थे, इनका जो दर्शन था वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। साथ में इसके लिए इनको लोगों बहुत ज्यादा त्याग करने की भी जरूरत नहीं थी, इसलिए बहुत सारे लोगों ने सोहरावर्दी सूफी जो सिलसिले को अपनाने के लिए कैसे तैयार हो गए। उनकी विरासत सल्तनत युग के बाद भी कायम रही, जिसने सूफीवाद के वास्तविक विकास को आकार दिया। इनकी सूफीवाद में बाद में भी एक तरीके से ये बने रहे।
सुहरावर्दी सिलसिला शेख बहाउद्दीन जकारिया की शिक्षाओं से उत्पन्न हुआ। इस सिलसिले में सल्तनत युग के दौरान प्रमुखता प्राप्त की और भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में इस्लाम के प्रसार में योगदान दिया। अभी क्या था सुहरावर्दी सिलसिला जो था, इसके सबसे प्रमुख धार्मिक उपदेशक कौन थे? सूफी संत ने 1097 ईस्वी रूप में दिया उल दीन अबू एन नजीब अस सुहरावर्दी के सहयोग से भारत आया था। ठीक है, सुहरावर्दी सिलसिला जो था मूल रूप से वर्णन करता है कि प्रकाश एक ऐसी चीज है जिसका अपना सभी पदानुक्रमों और वास्तविकता के स्तरों तक पहुंचे। दील अन दीन अबू एन अजीम अस सुहरावर्दी हजरत फखरुद्दीन इराकी और शेख शरफुद्दीन न्याना मनेरी द्वारा दसोरावर्दी सिलसिला के कार्यान्वयन पर आगे चर्चा है। ठीक है बेटा, सुहरावर्दी सिलसिला जो है इसका एक सख्त आदेश है जो सूफी आदेश पर केंद्रित है, जैसे दिया अल दीन अबू एन नजीब एस सुहरावर्दी द्वारा स्थापित किया गया था। दिया अल दीन अबू एन नजीब एस सुहरावर्दी द्वारा दसोरावर्दी सिलसिला की सबसे बड़ी शिक्षा का मूल आधार क्या था? अल गजाली और जुनैद बगदादी के माध्यम से अली इब्न अली तालिब का आध्यात्मिक सिलसिला रहा। दील अल, बेटा इस चीज को आप लोग अगर याद नहीं भी रखेंगे तो कोई समस्या नहीं है। दो सिलसिले रहे भारत में, चिश्ती और दसोरावर्दी सिलसिला का प्राथमिक कारक क्या था? एक साधारण जीवन जीने और अमीर या अन्य आकर्षक अवधारणाओं से प्रभावित न होने का प्राथमिक ध्यान था। ये सोरावर्दी सिलसिला चिश्ती की इस अवधारणा का पालन नहीं करता था। चिश्ती जो सिलसिला था वो कहता था कि साधारण जीवन जियो, किसी की अवधारणाओं से प्रभावित मत हो, लेकिन सोरावर्दी सिलसिला इसका पालन नहीं करता था। इसका कहना था वो सभी चीजों को लेता जो अमीर लोगों के उपहार के संग्रह से लेकर किसी भी चीज तक जाती। दिया अल दीन अबू एन नजीब अस्सुरावर्दी ने भी अपने दर्शन और विचारधारा को धार्मिक शिक्षा के दसोरावर्दी सिलसिला प्रारूप में शामिल किया। शेख शरफुद्दीन यान्ना मनेरी भारत के मध्यकालीन इतिहास के 13वीं शताब्दी के एक अन्य सूफी फकीरों में से एक थे। इन्होंने भी एक महान जो कि सुहरावर्दी सिलसिला था उसके संदेश को पढ़ाया और फैलाया। शेख शरफुद्दीन मनेरी ने अपने नाना से बहुत ज्यादा जो कि प्रभावित थे, अपने समय के श्रद्धेय सूफी भी थे। शेख शरफुद्दीन यान्ना मनेरी के जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने दसोरावर्दी सिलसिला में रुचि दिखाई और एक बुद्धिमान व्यक्ति बनने और लोगों को उपदेश देने के लिए फारसी अरबी के अध्ययन के लिए पारंपरिक क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करने में निवेश किया, यानी कि उन्होंने कोशिशें की। मनेरी जो थे उन्होंने अपना जीवन दसोरावर्दी सिलसिला की शिक्षा और उपदेश के लिए समर्पित कर दिया। शेख शरफुद्दीन यान्ना मनेरी ने सूफी समुदायों के सुन्नी समुदाय के रूप में दसोरावर्दी सिलसिला की पूर्व शिक्षाओं का पालन, जो कि शिक्षा मिली हुई थी उनका पालन किया यान्ना मनेरी ने, जो कि बाद में एक तरह से सुहरावर्दी सिलसिले के ही अनुचर रहे, अनुयायी रहे। हजरत फखरुद्दीन इराकी ये भी सुहरावर्दी सिलसिले के ही एक तरीके से प्रभावक माने जाते हैं। बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और इनमें कई पेशेवर गुणों के साथ साथ शासन करने की और आगे बढ़ने की भी क्षमता थी, क्योंकि ये कवि थे, लेखक थे, सूफी थे। हजरत फखरुद्दीन इराकी सूफी समुदाय के सबसे आकर्षक व्यक्तित्वों में से एक थे। बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी इनकी, जिन्होंने कई पारंपरिक सूफी और उनके कामकाज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हजरत फखरुद्दीन इराकी ने यात्राएं की और इस्लाम की दुनिया और उसकी शिक्षाओं के बारे में बहुत कुछ सीखा। इराकी का जन्म ईरान में हुआ था और बाद में इन्होंने शेख बहाउद्दीन से सूफीवाद का ज्ञान लिया। शेख बहाउद्दीन दसोरावर्दी सिलसिला के सबसे जो सर्वोच्च अधिकारी प्रमुख थे उनमें से एक हुआ करते थे और उन्होंने 25 साल तक, बल्कि इससे भी ज्यादा टाइम तक लोगों को प्रभावित किया था। सुहरावर्दी सिलसिले के थे ये बात के गुरुओं की बात मैं कर रही हूँ बेटा। हजरत फखरुद्दीन इराकी भी दसोरावर्दी सिलसिला की शिक्षा से बेहद प्रभावित थे और ये उनकी विभिन्न कविताओं की रचना के माध्यम से पता भी चलता है बेटा। तो ये था बेटे सुहरावर्दी सिलसिला। अब हम पढ़ेंगे चिश्ती सिलसिले के बारे में। चिश्ती सिलसिला जो था वो दो कालों में विकसित हुआ भारत में। पहली बात तो 1356 में शेख नसीरुद्दीन की मौत के बाद यह समाप्त हो गया और दूसरी बात 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसमें गिरावट देखी गई, जिसके बाद 15वीं और 16वीं शताब्दी में दोबारा से देश में पूरी तरह से उभरा। पहले टाइम में क्या हुआ, जब पहला काल था इसका सन 1356 में, जब ये खत्म हुआ था 1236 के आसपास, उस टाइम पर क्या हुआ, हैरात से शुरू होकर के चिश्ती संप्रदाय ने भारत में सूफी संप्रदाय के रूप में प्रमुखता और सम्मान पाया। 1236 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में इसको लाया गया था, जो कि इसे सिस्तान से लाए थे। वो गौरी आक्रमण के टाइम पर, जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था उस टाइम भारत पहुंचे थे। 1206 के आसपास अजमेर में बस गए थे और यहाँ पर उन्होंने मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों से ही प्रशंसा प्राप्त की थी, दोनों ही इनकी तारीफ किया करते थे। हालांकि इनके कामों का कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं मिलता है,
लेकिन कहानियों में एक उत्साही मिशनरी के रूप में चित्रित किए जाते हैं। साथ ही ऐतिहासिक साक्ष्य ये भी हैं कि बेटा इन्होंने गैर मुसलमानों के प्रति सहिष्णु रूप बनाए रखा, यानी कि टॉलरेंस इनकी अच्छी थी और सक्रिय रूप से इन्होंने परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की थी, धर्म परिवर्तन की कोशिश इन्होंने नहीं की थी। दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के छात्र थे शेख हमीमुद्दीन नागौरी, उनका अपना ध्यान उन्होंने नागौर राजस्थान में लगाया, इनके शिष्य जो है जैसे बाद में बाद अलग जगह फैल गए बेटा। तो बख्तियार काकी जो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्होंने दिल्ली में चिश्ती समुदाय को चिश्ती सिलसिले को संभाला, और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दूसरे छात्र थे जिनका नाम था हमीदुद्दीन नागौरी, इन्होंने राजस्थान में चिश्ती सिलसिले को चलाया बेटा। शेख हमीमुद्दीन नागौरी ने खुद को प्रभावशाली शख्सियतों से दूर कर एक साधारण राजस्थानी किसान की जीवन शैली अपनाने के बाद नागौर में सिलसिला की स्थापना की थी। ये गए थे राजस्थान में जाकर के नागौर नाम की जगह में एक साधारण राजस्थानी किसान के रूप में काम करते थे और वहीं पर इन्होंने नागौर सिलसिले की स्थापना की थी। इन्होंने सख्त शाकाहारी भोजन का पालन किया। फारसी सूफी कविता का हिंदी में अनुवाद करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इस भाषा में कई शुरुआती अनुवाद करके और उनके अनुयायियों द्वारा किए गए इन्होंने और बहुत सारे अनुवाद किए। नाथपंथी योगियों ने इनकी खानकाह का दौरा किया और रहस्यवाद के सार के बारे में इनसे बातचीत। 14वीं सदी के पहले सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया हुआ करते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के साथ अलग अलग शासकों के शासनकाल में रहे। यहाँ पर 7 शासक रहे शेख निजामुद्दीन के सामने, हालांकि वो कभी भी उनके दरबार में शामिल नहीं हुए या कुलीन वर्ग से कभी जुड़े नहीं। उनके खानकाह के लंगर में जरूरतमंद हिंदू और मुसलमानों दोनों को मुफ्त भोजन मिला करता था। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। वो अक्सर अपनी खानकाह पर आने वाले नाथपंथी योगियों से बातचीत करते थे और उनके व्यापक श्वास अभ्यास के कारण वे उन्हें एक आदर्श मानव भी सिद्ध या सिद्ध भी मानते थे। एक और रहे अमीर खुसरो, जो कि शेख निजामुद्दीन औलिया के समर्पित अनुयायी थे। 1253 से 1325 के बीच रहे बेटा। शेख निजामुद्दीन औलिया के कई आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों में से एक थे ये, और एक शेख बहारुद्दीन गरीब हुआ करते थे। उन्होंने मुख्य रूप से दौलताबाद में काम किया जहां उन्होंने चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। कहां पर? दौलताबाद में बेटा। शेख निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रसिद्ध शिष्य रहे शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिराग दिल्ली करार दिया गया था। इनको टाइटल मिला था चिराग दिल्ली। इन्होंने अपने कुछ अनुयायियों के साथ मिलकर शुरुआती चिश्ती रीति रिवाजों को रोकने का फैसला किया जो शायद इस्लामी सत्ता के खिलाफ थे। शुरू शुरू में इन्होंने उसका विरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने उलेमा को, आपने पिछले वीडियो में बेटा पढ़ा होगा, उलेमा जो थे समा को पसंद नहीं करते थे, चिश्ती परंपरा के संबंध में अधिक उदार रुख अपनाने के लिए मनाने का भी प्रयास किया था। अब चिश्ती परंपरा का पतन और दिल्ली सल्तनत। चिश्ती सिलसिला के केंद्र के रूप में दिल्ली के पतन के लिए सुल्तान मोहम्मद तुगलक का रवैया और व्यवहार जिम्मेदार माना जाता है बेटे। शासक आम तौर पर सूफियों के खिलाफ नहीं थे, लेकिन शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली उन सूफियों में से एक थे जो सुल्तान द्वारा राज्य की नौकरी स्वीकार करने के लिए मजबूर किए जाने के बावजूद दिल्ली में रहे। सुल्तान चाहते थे कि ये जो सूफी संत हैं ये नौकरी हासिल कर ले, राज्य में उनकी नौकरी करें, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया था। इसके अलावा मोहम्मद तुगलक के निधन के बाद कई खानकाहों में सूफी गतिविधियों को पुनर्जीवित किया गया। मोहम्मद तुगलक की जब मृत्यु हुई उसके बाद दोबारा से सूफी जो ये गतिविधियां थी इनको जीवित किया गया। 1356 में जब शेख नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई तब दिल्ली में कोई प्रसिद्ध चिश्ती नेता नहीं था, कोई भी नहीं बचा था, क्योंकि उन्होंने किसी आध्यात्मिक उत्तराधिकारी का नाम बताया ही नहीं था। 1398 में तैमूर के आक्रमण के दौरान उसके प्रमुख छात्रों में से एक गेसुदराज दिल्ली से दक्कन में एक सुरक्षित स्थान पर भाग गया था। जैसे ही दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ, विघटन शुरू हुआ, सूफियों ने सुरक्षित प्रांतों में स्थानांतरित होकर के वहां पर अपनी खानकाहें स्थापित कर ली। दिल्ली को छोड़कर चले गए, सुरक्षित सुरक्षित जगहों पर जाकर के अपनी अपनी खानकाहें बना ली। तो चिश्ती सिलसिला 14वीं सदी के अंत और 15वीं सदी के शुरुआत में पूरे देश में फैल चुका था बेटे। इस अवधि के दौरान चिश्ती सूफियों की प्रथाओं और मान्यताओं में काफी बदलाव भी आ चुके थे। इसके बाद दूसरा चरण जब शुरू हुआ इसका, तो शेख नसीरुद्दीन की मौत के बाद दिल्ली में चिश्ती सिलसिले का पतन शुरू हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर कोई आध्यात्मिक गुरु था ही नहीं, किसी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित ही नहीं किया था। तो बड़ी संख्या में चिश्ती सूफी बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा में पहुंच गए थे। अब गुलबर्गा में इन सूफियों ने घनिष्ठ संबंध बनाए और राज्य प्रायोजन स्वीकार किया, इनकी राज्य से इन्होंने धन लिया, भूमि ली। बदले में इन सूफियों को भूमि और बहमनी शासकों की राजनीतिक निष्ठा प्राप्त हुई, उनसे उनको सम्मान मिला।
गुलबर्गा में आज भी जीवित चिश्ती विरासत के पतन का कारण उनके उत्तराधिकारियों का एक जमींदार आबिदत वर्ग में रूपांतरित होना और चिश्ती शिक्षाओं में उनकी रुचि की कमी को माना जाता है। गुलबर्ग में आज भी माना जाता है कि चिश्ती विरासत का पतन इसलिए हुआ क्योंकि चिश्ती के जो उत्तराधिकारी थे वो वहां पर जमींदार बन चुके थे, जमीनें हासिल कर चुके थे, पैसा इकट्ठा कर रहे थे और चिश्ती शिक्षाओं में इनकी रुचि कम हो गई थी। गुलबर्गा में चिश्ती सिलसिले का पतन तब और भी तेजी से हुआ जब वर्ष 1422 में बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दी, मतलब राजधानी बदल गई, गुलबर्गा से अब बीदर आ गई राजधानी। तो बीदर में बहमनी अदालत ने अपने दक्षिणी विरोधी और विदेशी समर्थकों के कारण विदेशी सूफियों के आप्रवासन का समर्थन किया। वो लोग जो थे बीदर में बहमनी अदालत जो थी उसने जो बाहर से आए हुए थे उनका तो समर्थन किया लेकिन चिश्तियों को त्याग दिया क्योंकि बहुत ज्यादा भारतीय लगते थे उनको। 15वीं शताब्दी के अंत में दक्कन में चिश्ती परंपरा का पुनर्जन्म हुआ और वो पुनर्जागरण 16वीं और 17वीं शताब्दी तक भी बेटे जारी रहा। तो चिश्ती परंपरा 15वीं सदी के अंत और 16वीं सदी की शुरुआत में भारत के उत्तरी भाग में फिर से उभरने लगी। अब तो चिश्ती सूफियों की तीन अलग अलग शाखाएं थी। पहली थी सबीरिया जो की शेख अलाउद्दीन कलियारी से बनी, दूसरी थी नागौरिया जो कि शेख हमीदुद्दीन नागौरी से बनी और तीसरी थी निजामिया जो कि शेख निजामुद्दीन औलिया से बनी। तीन सिलसिले बने बेटा चिश्ती। तो जौनपुर 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के उत्तरी भाग में एक महत्वपूर्ण चिश्ती केंद्र हुआ करता था, जौनपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है बेटा। इसके अलावा लखनऊ, बहराइच, सहारनपुर भी, इनके सहारनपुर में गंगोह, ये सब भी बहुत ही फेमस चिश्ती जो है क्या के सिलसिलों के इतने से वो रहे बेटा, इस केंद्र रहे। इसके बाद दूसरे चरण में क्या हुआ, बंगाल और मालवा में भी चिश्ती केंद्र फले फूले। कई चिश्ती संतों ने रहस्यवाद पर कार्यों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया, तो संस्कृत में चीजें लिखी गई थी इनको उन्होंने फारसी में ट्रांसलेट किया और पारंपरिक अरबी और फारसी साहित्य पर टिप्पणियां लिखी। जो पहले से पढ़ा आ रहा था, जो चला जा रहा था, उसके ऊपर उन्होंने टीकाएं लिखी, टिप्पणियां लिखी। अधिकांश ने अपने आध्यात्मिक पूर्वजों के विपरीत सरकारी प्रयोजन स्वीकार कर लिया। इनमें से ज्यादातर चिश्ती ऐसे थे, चिश्तियों की शिक्षा यह थी शुरुआत में कि वो लोग कोई भी सरकारी प्रयोजन स्वीकार नहीं करते थे। राज्य की कोई नौकरी, राज्य का कोई धन मिले तो उसे स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन बाद में लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया। अब चिश्ती की प्रसिद्धि के कारण क्या थे, आध्यात्मिक गुरु के संरक्षण में चिश्ती जो परंपरा था, चिश्ती सिलसिला था, फेमस क्यों था। सूफी मार्ग के माध्यम से ईश्वर के साथ सीधा संबंध प्राप्त करना सल्तनत युग के दौरान सभी सूफी संप्रदायों का एकमात्र लक्ष्य था। सभी सूफी संप्रदायों की एक ही बात हुआ करती थी कि हमें ईश्वर से संबंध, सीधा संबंध प्राप्त करना। इस समय के दौरान चिश्ती सिलसिला सभी आदेशों में सबसे लोकप्रिय था और व्यापक रूप से फैला हुआ बनकर उभरा था। आंतरिक रूप से भारतीय सिलसिले के रूप में इसने अपने आप को स्थापित किया था, लेकिन यह कहीं ना कहीं इस्लामिक था। इसकी लोकप्रियता के क्या क्या कारण थे। आरंभिक चिश्तियों द्वारा अपनाए गए बहुत से रीति रिवाज भारत में पहले से मौजूद थे, तो भारत वालों को ऐसे लगा ही नहीं कि उनके ऊपर कोई नई चीज थोपी जा रही है, तो इसलिए उन्होंने उसको बड़ी ही आसानी से स्वीकार कर लिया। तपस्या, गुरु के सामने झुकना, पंथ के नए सदस्य का सिर मुंडवाना और व्यवस्था करना, आध्यात्मिक संगीत गायन, ये सारी की सारी चीजें जो सूफी संप्रदाय में, चिश्ती संप्रदाय में शामिल थी, ये सब भारत की परंपरा में पहले से ही शामिल थी, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई इनको स्वीकारने में और उनको चिश्तियों को कोई समस्या नहीं हुई अपने अनुयायी बनाने में। चिश्तियों को एक स्थापित भारतीय परंपरा के घटक के रूप में माना जाने लगा, ये माना जाने लगा कि ये भारतीय परंपरा का ये कंपोनेंट है। चिश्तियों ने भारत की गैर मुस्लिम आबादी के प्रति सहिष्णु रवैया अपनाया। जो भारत की गैर मुस्लिम आबादी थी, चिश्ती उनके साथ रूढ़ नहीं थे, उनके साथ पोलाइट रहते थे, उनके साथ कोई जो है क्या कि सहिष्णु रवैया अपनाते थे और बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिम परिवेश की मांगों के साथ तालमेल बिठाया करते थे, उनके साथ एडजस्ट किया करते थे और कई अनुष्ठानों और रीति रिवाजों को इन्होंने अपना भी लिया था। अपनी मान्यताओं को प्रेषित करने के लिए, अपनी मान्यताओं को कम्युनिकेट करने के लिए लोकप्रिय छवियों का और जो वहाँ की जो लोकल भाषाएं होती थी उनका इस्तेमाल किया करते थे ये लोग, इस वजह से पॉपुलर हुए। हिंदवी कई चिश्ती संतों द्वारा अपनी शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा थी, हिंदवी का इस्तेमाल किया करते थे ये लोग अपनी शिक्षाओं को प्रदान करने के लिए। और भारतीय समाज के गरीब तबके के कई लोग इनके स्वागत करने वाले रवैये के कारण आकर्षित हुए, क्योंकि सबका बड़े अच्छे तरीके से अपने समूह में वेलकम किया करते थे बेटा। चिश्ती समुदाय की वंचित वर्गों के प्रति सहानुभूति, उस टाइम बेटा जाति पाति काफी फैली हुई थी, तो जो वंचित वर्ग था जिसे कि उस टाइम पर निम्न वर्ग माना जाता था, उसके लिए इनकी सहानुभूति बहुत ज्यादा थी। चिश्ती परंपरा ने व्यापारियों, कारीगरों, किसानों और यहाँ तक कि सफाई कर्मियों को भी अनुयायी मान लिया था। वे तुर्की शासक वर्ग के कुलीन और निम्न जन्म वाले लोगों के दोहरे नस्लीय वर्गीकरण से असहमत थे, यानी कि डबल स्टैंडर्ड वाली बातों को पसंद नहीं किया करते थे।
संस्थापकों का शक्तिशाली नेतृत्व इसमें बहुत ज्यादा कारगर रहा। जो इसके संस्थापक थे उनका नेतृत्व बहुत शक्तिशाली था, सत्ता से दूर होते थे, इसलिए जो लोग राजा से नाराज होते थे इनके पास आ जाया करते थे। राज्य के पक्षपात को स्वीकार करने से लोग इनकार करते थे, उलेमा के बाहरी दृष्टिकोण और रूढ़िवाद को यह स्वीकार करते थे और सरल इस्लाम के साथ सूफी शिक्षाओं का मिश्रण करके लोगों तक पहुंचाया करते थे। प्रारंभिक चिश्तियों के चमत्कारों से जुड़ी किंवदंतियों ने चिश्तियों की मरौड़ों पर प्रसिद्धि में वृद्धि में बहुत योगदान दिया। यानी कि जो शुरुआती चिश्ती थे उनके साथ कुछ चमत्कारी घटनाएं जोड़ दी गई, कुछ जुड़ गई कि वो चमत्कारी थे, कुछ ऐसे ईश्वर का रूप थे। इस तरह की जब कहानियां जुड़ी तो उससे उनकी जब फेम जुड़ा, उनका फेम उनका बढ़ा, तो बहुत से लोग बाद में भी उनके साथ जुड़ते चले गए। तो चिश्ती सिलसिला उपचार में समानता के कारण लोकप्रिय है, कि सभी को समान मानता है, जहां गरीब और अमीर लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता था। इसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पेश किया था। चिश्ती सिलसिला भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे विभिन्न देशों के सुन्नी मुसलमानों द्वारा गठित एक भाईचारा समुदाय है। भाईचारा व्यवस्था की यह श्रृंखला सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा भारत में लाई गई थी। ये भारत में आई थी किसके द्वारा? सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। अब सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो सबसे महान उपदेशकों, धार्मिक विद्वानों और सैयदों में से एक माने जाते थे बेटा। तो महान विद्वान ने सभी महाद्वीपों में बड़ी संख्या में सुन्नी मुसलमानों को चिश्ती सिलसिला की अवधारणा के बारे में सीखने और शिक्षित करने में मदद की। चिरागे दिल्ली अन्य महत्वपूर्ण संतों में से एक हैं जो कि भारत में बाद में दिल्ली के उत्तराधिकारी बने। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सुधारक थे, धार्मिक शिक्षक थे, विद्वान थे और भारतीय महाद्वीप के सबसे प्रमुख संत हुआ करते थे। इनका 13वीं शताब्दी की शुरुआत में ये भारत में एशिया से भारत आए थे, दक्षिण एशिया से भारत आए थे। महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे पहले लाहौर पाकिस्तान में आए थे। शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने मंदिर के प्रसिद्ध मकबरे पर ध्यान दिया। सदी के उत्तरार्ध में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने द चिश्ती सिलसिला की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए भारत की यात्रा की और बाद में शादी भी की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का विवाह राजस्थान में अजमेर में हुआ था। इन औपचारिक गतिविधियों के समाप्त होने के बाद महान धार्मिक वक्ता सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने शासक इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान दिल्ली की यात्रा की। जब इस टाइम पे यहाँ पर इल्तुतमिश राजा थे, जिस टाइम यहाँ पर सोहरावर्दी जो था उसकी जो है लेकर के आई थी इल्तुतमिश यहाँ पर स्टैब्लिश किया था उन्होंने, तो सूफी संतों ने अपने स्वयं के समुदाय या लोगों के समूह बनाना जारी रखा जिन्होंने द चिश्ती सिलसिला का प्रचार शुरू किया। सूफी के चार सबसे महत्वपूर्ण आदेश जो थे, चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी क्वाड्री और बहुत कुछ शामिल है, जिसमें कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत के शहर राजस्थान में बसने के बाद अपने सभी भाइयों, विश्वासियों और सुन्नी मुसलमानों के प्रचारकों की प्रशंसा की। इस महान सूफी संत को तब पहचान मिली जब इन्होंने भारत, दक्षिण एशिया और पूरे उपमहाद्वीप में इस्लाम के प्रसार की जिम्मेदारी संभाली। तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज भी कहा जाता था बेटे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ रहने के कारण कई लोग द चिश्ती सिलसिला की शिक्षा से प्रभावित भी हुए और द चिश्ती सिलसिला के कुछ महत्वपूर्ण फकीर हैं शेख सलीम चिश्ती और चिरागे दिल्ली। अब चिरागे दिल्ली एक और महान सूफी फकीर थे जिनका मूल नाम नसीरुद्दीन महमूद था। इस फकीर के खाते में उनके अनुयायियों और देहलवी द्वारा प्रस्तुत कई अन्य नाम, इनको बहुत सारे नामों से बुलाया जाता था। इनको दिल्ली के प्रबोध दीपक के रूप में जाना जाता था, जबकि अन्य लोग या देहलवी उन्होंने रहस्यवादी और दिल्ली के बाद के राजा के प्रति उनकी भक्ति और प्रेम के कारण इनका नाम रोशन चिरागे दिल्ली भी रख दिया था। नसीरुद्दीन महमूद 14वीं शताब्दी में भारत आए और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बनकर के रहे। वो रोशन चिरागे दिल्ली के आगमन के बाद लोगों और देहलवी ने शासक निजामुद्दीन औलिया के प्रति मजबूत उपस्थिति और योगदान को महसूस किया। इस प्रकार 14वीं शताब्दी में दिल्ली के महत्व शासक के निधन पर चिरागे दिल्ली सक्रिय हुआ और द चिश्ती सिलसिला की शिक्षा और उपदेश की आवश्यकता पर जोर देते हुए दिल्ली में लोगों पर लंबे टाइम तक शासन किया। चिरागे दिल्ली जो था इसने दिल्ली में काफी लंबे टाइम तक शासन किया और सुन्नी मुस्लिमों में और पूरे राज्य में। इसके अलावा एक थे शेख सलीम चिश्ती। मुगल काल में श्रद्धेय शीर्ष सूफी फकीरों में से एक थे ये, जिन्होंने मुगल पीढ़ी और इतिहास के काल में द चिश्ती सिलसिला की अवधारणा का नेतृत्व किया था और उसे आगे बढ़ाया था। भाइयों के बीच विघटन को रोकने के लिए धार्मिक कारक के ज्ञान और सद्भावना की अवधारणा के कारण शेख सलीम चिश्ती जो भाईचारे की बात करते थे, इसलिए मुगल साम्राज्य के महान शासक अकबर के पसंदीदा में से एक बन गए थे। अकबर के शासनकाल के दौरान इन्होंने दौरा किया और अपने साम्राज्य के लिए सही निर्णय लेने के लिए विचारों और अवधारणाओं पर ध्यान दिया था।
महान फकीर की स्मृति में शेख सलीम चिश्ती के अनुयायियों ने फतेहपुर सीकरी में इनके नाम के तहत कब्र का एक अवतार प्रदर्शित किया था बेटा। इसके अलावा कुछ और सूफी परंपराएं जो भारत में रहीं, फिर दौसी परंपरा थी, कादिरी परंपरा थी, शत्तारी परंपरा थी, सूफी की कलंदरी परंपरा थी और कई सिलसिले हुआ करते थे इनके जगह जगह। बाद में 14वीं शताब्दी में फिरदौसी सिलसिला जो था सोहरावर्दी की एक शाखा हुआ करता था, इसने बिहार के राजगीर में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थी। 14वीं शताब्दी के अंत में मध्य इस्लामी क्षेत्रों में एक और प्रमुख संताई कादिरी संप्रदाय जो कि बगदाद में अब्दुल कादिरी जिलानी के द्वारा भारत लाया गया था, ये दक्कन सिंध और भारत में स्थापित हो गया। कादिरी सूफियों ने भी सरकारी मदद स्वीकार की थी बेटा। ये सिलसिला जो कि शहरों पर केंद्रित था ने भारतीय मुसलमानों के धार्मिक जीवन पर उन प्रभावों को बदलने की कोशिश की जो कि इस्लाम के अनुरूप नहीं थी। इसके बाद कश्मीर में सूफी ऋषि संप्रदाय का विकास हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी में। तो ऋषि संप्रदाय जो था एक स्वदेशी आंदोलन के रूप में उभरा था, शेख नूरुद्दीन वली द्वारा स्थापित था ये, और ऋषि संप्रदाय की लोकप्रियता का श्रेय शैव संप्रदाय से उसके संबंध को माना जाता है बेटा। सारांश है अध्ययन में हमने क्या किया कि सोहरावर्दी सिलसिला के महत्व और प्रसिद्ध सूफी संतों और दार्शनिकों के सहयोग पर हमने जोर दिया गया था उसे हमने पढ़ा, इसको जो कि भारत में लेकर के आए थे। इसमें शेख सरफुद्दीन जहा मनेरी, हजरत फखरुद्दीन इराकी और दिया अल दीन अबू एन अनजीब नसरवरी को जोर दिया गया। तो बेटा हमने पूरा का पूरा ये जो पढ़ा सूफी सिलसिले के बारे में हमने पढ़ा, तो संक्षेप में चिश्तिया और सोहरावर्दिया सूफी परंपराएं जो थी इनके विकास की खोज ने इस्लामी आध्यात्मिकता के आकर्षक पहलुओं का पता चलता है। चिश्तिया सामा जैसे अनुष्ठानों और सार्वजनिक भाईचारे के प्रति प्रतिबद्धता के साथ साथ गुरुओं और शिष्यों के बीच घनिष्ठ संबंध के महत्व भी जोर दिया करते थे। दूसरी ओर सोहरावर्दिया जो थे अपने दार्शनिक दृष्टिकोण, रहस्यमय दृष्टि को शामिल करने और सूफी प्रथाओं के साथ इस्लामी कानून के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए जाने जाते हैं। दोनों परंपराएं जो थी सूफीवाद की समृद्ध टेपेस्ट्री में विशेष योगदान देती हैं जो कि आध्यात्मिक साधकों के लिए विविध मार्ग प्रदान करती हैं। इन परंपराओं का अध्ययन करने से भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी रहस्यवाद की जटिल दुनिया की स्पष्ट समझ मिल जाती है बेटा। तो ये था बेटा आपका पाठ मध्यकालीन भारत में सूफीवाद का किस तरीके से विकास हुआ, किस तरीके से सोहरावर्दी का विकास हुआ, कैसे चिश्ती संप्रदाय का विकास हुआ और उसमें कौन कौन से इनके अनुयायी थे जिन्होंने जगह जगह जाकर के अपनी अपनी यह क्या कि स्कूल तैयार किए, वहां पर लोगों को अपने अनुयायी बनाया, उनको अपना फॉलोअर बनाया। तो ये पाठ आपका पूरा कम्प्लीट हो गया बेटा। इसके बाद अगला पाठ आपका होगा सिख धर्म का उदय, जिसे मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेकर के आऊँगी। तो बेटा अगर आपने अभी तक जो है क्या कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए बेटा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहीं पर मिलेगा बेटे। और आपकी परीक्षाओं के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।